हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज माथुर। हम क्लास अर्थ में हमने जैसे पिछले वीडियो में भारतीय संविधान के बारे में पढ़ा था, पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि भारत या जितने भी विश्व के लोकतांत्रिक देश हैं उन लोकतांत्रिक देशों में संविधान की रचना क्यों की गई थी। अब हम आज के टॉपिक में भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान और विशेष रूप से भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। पहली बात कि जब भारत औपनिवेशिक ब्रिटेन का उपनिवेश था, यह मान सकते हैं कि भारत जब औपनिवेशिक राष्ट्र था, यानी ब्रिटेन का औपनिवेशिक राष्ट्र था भारत, तो स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर विचार किया कि भारत का संविधान या स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए, और औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों को के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। जैसे कि राष्ट्रवादियों के समक्ष ने एक बहुत लंबा संघर्ष किया था, हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी थे उन्होंने एक बहुत लंबा संघर्ष करके भारत को अंग्रेजों के द्वारा स्वतंत्रता दिलाई थी, और स्वतंत्र औपनिवेशिक राज्य में भारतीयों के सामने इतना जरूर हो गया था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश हो, और लोकतांत्रिक देश होने का मतलब कि भारत का अपना एक लिखित संविधान होना चाहिए। और जैसे अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के मध्य में संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था, और भारत अंग्रेजों से मुक्त होकर एक लोकतांत्रिक देश बन गया था। लोकतंत्र, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जनतंत्र या डेमोक्रेसी, ये सब एक ही बात है। तो हम आज भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण पढ़ रहे हैं। सबसे पहला हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संघवाद, कि भारत एक संघवाद किस तरह से। संघवाद का मतलब है देश में एक से ज्यादा, देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का निर्माण करना। संघवाद का मतलब क्या हो गया, देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का निर्माण करना। जैसे भारत देश में केंद्रीय स्तर पर अलग सरकार होती है, केंद्रीय स्तर पर जो सरकार होती है वो अलग है, राज्य हमारे देश में राज्यों के स्तर पर भी या प्रांतों के स्तर पर भी एक सरकार है। इसके अतिरिक्त पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर माना गया है। तो संघवाद का अर्थ क्या है, मेन इसका स्पष्ट सा साधारण सा उत्तर क्या है कि एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का निर्माण। यानी हमारे देश में केंद्रीय स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकार, पहला स्तर तो कौन सा हो गया, केंद्र स्तर, राज्यों में राज्य सरकार, और तीसरा जो
स्तर हो गया वो काहे का हो गया, पंचायती स्तर का, पंचायत शासन व्यवस्था का स्तर। तो ये क्या है, संघवाद, यानी देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना। और भारत में इतने सारे समुदायों, भारत में हम जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है और यहाँ पर वर्तमान में 130 करोड़ की जनसंख्या से ऊपर भारत की जनसंख्या है। तो भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब यह था कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करना था, विकसित करने चाहिए थे, या एक ऐसी शासन व्यवस्था विकसित होनी चाहिए जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोग ही पूरे देश का फैसला नहीं लेने चाहिए। मेन मुख्य बात क्या है कि भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा सा मतलब यह था कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिससे राजधानी दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोग ही पूरे देश के फैसले न लेने लगे। और इसीलिए प्रांतीय या राज्य स्तर पर भी सरकारों की व्यवस्था की गई। तो ये क्या आ गया, संघवाद। संघवाद मतलब क्या कि जिसमें, संघवाद का अर्थ क्या हो गया, या इसका मतलब क्या है कि एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का निर्माण, केंद्रीय स्तर पर केंद्र सरकार, राज्यों में भी यहां पर शासन व्यवस्था लागू है तो वो राज्य सरकार, और पंचायती राज व्यवस्था की पंचायती व्यवस्था। मतलब कहने का मतलब यह है कि भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति थे, सीधा मतलब यह था कि यहां शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिससे राजधानी दिल्ली में बैठे हुए लोग ही पूरे देश के फैसले न लेने लगे। इसीलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई। पहली बात है ना बेटा, पहली बात तो ये होगा। अब जस्ट आगे हम पढ़ते हैं दूसरा संघवाद का, दूसरा क्या है कि संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, उन्हें भी संविधान में अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। दूसरी बात क्या मैंने आपको बताई कि राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, अपितु राज्यों को भी अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। राज्यों को भी क्या मिलते थे, अपनी ताकत और अधिकार यहां पर मिलते हैं। दो बातें है ना। अब ये पहला पॉइंट हो गया संघवाद का। इसी प्रकार हम जो दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, हम संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था यानी भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। वोट डालने का अधिकार किसको, वयस्कों को, सभी वयस्कों को। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत में अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त कोई भी व्यक्ति या 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति मत देने का अधिकारी होता है। तो भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार देता है, यानी वयस्क मताधिकार का अधिकार देता है। और सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब यह होता है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। मतलब अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। और इसके अतिरिक्त सामाजिक पृष्ठभूमि, चाहे
कैसी भी हो, सामाजिक पृष्ठभूमि चाहे किसी भी प्रकार की हो, व्यक्ति कोई भी व्यक्ति शासन में परोक्ष रूप से भाग ले सकता है। यानी कोई भी व्यक्ति चाहे वो सामाजिक रूप से कितना ही पिछड़ा हो, वो चुनाव के समय अपने मत का प्रयोग भी करता है और शासन में आगे बड़ा अधिकारी या नेता भी हो सकता है। वैसे भारतीय संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत हम यहां तो हमने एक पहली चीज तो क्या पढ़ी, वयस्क मताधिकार, यानी प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार संविधान के द्वारा दिया गया है। और सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधि के चुनाव में देश के अतिरिक्त प्रत्येक, मतलब देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है, और इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है चाहे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा कैसी भी हो। पहली चीज तो हमने ये पढ़ी इसके अंतर्गत। अब इसी के अंतर्गत हम जो दूसरी चीज पढ़ते हैं, संसदीय व्यवस्था, यानी भारत में जैसे केंद्र में संसदीय व्यवस्था है वैसे ही राज्यों में संसदीय व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि जिसका अध्यक्ष संवैधानिक प्रधान होता है, जैसे भारत का अध्यक्ष राष्ट्रपति, संवैधानिक अध्यक्ष कौन है भारत का, राष्ट्रपति, यानी भारत में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च संवैधानिक माना गया है। यानी राष्ट्रपति क्या होता है, केवल संवैधानिक अध्यक्ष होता है, जबकि वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। केंद्र में भी यही है और राज्यों में भी यही है। जैसे संसदीय शासन व्यवस्था में संविधान का प्रधान किसको माना गया, राष्ट्रपति को माना गया, लेकिन वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद करती है। तो भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है और संसदीय व्यवस्था में मंत्रिपरिषद संसद के निम्न सदन यानी लोकसभा पर निर्भर करती है। यानी लोकसभा भंग यानी कि मंत्रिपरिषद भंग, या मंत्रिपरिषद भंग यानी लोकसभा भंग, है ना। तो इसके अंतर्गत क्या आया संसदीय व्यवस्था में, कि संसदीय व्यवस्था में संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, परंतु वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद करती है। इसी प्रकार हम तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा, बंटवारा, जैसे भारतीय संविधान के द्वारा सरकार के तीन अंग निर्धारित किए गए हैं। भारतीय संविधान के द्वारा सरकार के तीन अंग, सरकार के तीन अंग, सरकार के तीन अंग, जैसे आपने पिछली किताबों में पढ़ा होगा, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका शॉर्टली वैसे बताऊं, व्यवस्थापिका जो कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है, और न्यायपालिका उन लोगों को दंडित करती है जो उन कानूनों का उल्लंघन करते हैं। सरकार के तीनों ही अंग एक दूसरे पर डिपेंड हैं, करते हुए बनाए गए हैं। तो संविधान में शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया, व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर निर्भर है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका पर निर्भर है, और इन दोनों पर बंदिश करने के लिए न्यायपालिका का गठन किया गया है। न्यायपालिका किसी भी कानून की व्याख्या करने का अधिकार रखती है। जैसे न्यायपालिका के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय जो दिल्ली में स्थित है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, वो दिल्ली में किसी कानून के संबंध में अगर राष्ट्रपति को कानून की व्याख्या या कानून में कुछ शब्द ऐसे हैं जिन पर आपत्ति हो, तो उनकी व्याख्या
न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जा सकती है। ये तीनों अंग सरकार के एक दूसरे पर निर्भर है। व्यवस्थापिका, जैसे मैंने आपको बताया कि व्यवस्थापिका कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है, और न्यायपालिका उन लोगों को दंडित करती है जो उन कानूनों का उल्लंघन करते हैं। तो ये सरकार के अंग हैं जिनके द्वारा मतलब भारतीय संविधान के द्वारा शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। अब इसी संदर्भ में हम चौथा पॉइंट पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, इनमें जो मुख्य है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के अंतर्गत हम ये मान सकते हैं कि मौलिक अधिकारों वाला खंड हमारे संविधान की आत्मा, मौलिक अधिकारों वाला खंड हमारे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। संविधान की आत्मा यानी मौलिक अधिकार, और हमारे संविधान द्वारा नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास और शोषण से मुक्ति के लिए 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। हम मौलिक अधिकारों के बारे में अगले वीडियो में पूरा विस्तृत रूप से व्याख्या करेंगे। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का भी समावेश किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों का समावेश भारतीयों के व्यक्तित्व को और ज्यादा, या भारतीयों के सामाजिक जीवन आर्थिक जीवन से संबंधित और ज्यादा आशानुकूल परिवर्तन के लिए नीति निर्देशक तत्वों का भी निर्माण किया गया है। ये हमने आज क्या पढ़ा, भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण। मैं फटाफट रिवाइज कर देता हूं, संघवाद। संघवाद का मतलब क्या हो गया, जहां पर एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का निर्माण किया जाता है। केंद्र में केंद्रीय स्तर, हमारे राज्यों में भी, हमारे देश के राज्यों में भी राज्य स्तर पर सरकारों का निर्माण किया गया है। इसी तरह इसका तीसरा स्तर पंचायती शासन व्यवस्था है, जिसमें पंचायती शासन व्यवस्था या पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख भी किया गया है। दूसरी बात, मैंने एक चीज बताई थी आपको कि राज्य केवल सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते हैं, राज्य केवल क्या नहीं होते, सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते हैं, अपितु उन्हें भी संविधान में अपनी ताकत और अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब यह होता था कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जाए कि राजधानी दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोग ही पूरे देश के फैसले न लेने लगे, और इसीलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकारों का गठन किया गया। दूसरा जो हमने पढ़ा टॉपिक, दूसरा है संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था यानी लोकतांत्रिक शासन की 2 पद्धतियां मानी गई है, संसदीय शासन व्यवस्था और एक अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था में राज्य का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, परंतु वास्तविक शक्तियों का प्रयोग, परंतु उस संवैधानिक प्रधान की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद करती है, और मंत्रिपरिषद केवल संसद के निम्न सदन लोकसभा पर ही आधारित होता है या केंद्रित होता है। और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, जैसे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की संविधात्मक शासन प्रणाली, जैसे भारत और ब्रिटेन का संविधान, इसमें संविधान संसदीय शासन प्रणाली का अपनाया गया, जबकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया। संसदीय शासन व्यवस्था की 2 पद्धतियां,
संविदात्मक और अध्यक्षात्मक। तो अमेरिका में क्या होता था, संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति को माना गया और राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, वह संसद के निम्न सदन के प्रति जिम्मेदार नहीं होता। जबकि संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है कि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होता है और मंत्री, लेकिन उसकी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद करती है, और मंत्रिपरिषद केवल संसद के निम्न सदन लोकसभा पर ही आधारित होता है या लोकसभा पर के प्रति ही जिम्मेदार होता है। संसदीय शासन व्यवस्था में, संसदीय शासन व्यवस्था हमने पढ़ी। दूसरा, वयस्क संसदीय शासन व्यवस्था में वयस्क मताधिकार का प्रयोग। वयस्क मताधिकार यानी जैसे भारत के प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार दिया गया है, इसी प्रकार। तीसरा, शक्तियों का बंटवारा कि सरकार के तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका प्रदान की गई है। और व्यवस्थापिका यानी कानून का निर्माण करने वाली, कार्यपालिका यानी कानूनों को लागू करने वाली, और न्यायपालिका यानी उन व्यक्तियों को दंडित करती है जो कानूनों का उल्लंघन करते हैं। इसी प्रकार मौलिक अधिकार कि हमारे संविधान की आत्मा कहा गया है भारत के मौलिक अधिकारों को, और मौलिक अधिकार व्यक्ति के विकास और शोषण से मुक्ति के लिए भारत में छह मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है संविधान के द्वारा। इसके अतिरिक्त भारत में, भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का भी प्रावधान किया गया है। नीति निर्देशक तत्व यानी भारत की सामाजिक और आर्थिक स्तर पर विकास, वो नीति निर्देशक तत्व है। हमने भारतीय संविधान के बारे में पढ़ा।